कहते हैं अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, यही है बस यही कश्मीर में है। वो चाहे गुलमर्ग के बर्फ से लिपटे पहाड़ हो या सोनमर्ग के एडवेंचर्स, चाहे पहलगाम के छोटे छोटे गांव या उन वादियों की आफरी खूबसूरती, या तो डल लेक के अंदर बसी कश्मीरियों की एक छोटी सी दुनिया। लेट्स एक्सप्लोर कश्मीर इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस। So I took a flight from Bhubaneswar to Srinagar via Delhi. एयरपोर्ट से हम डायरेक्टली चले गए हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, दूध पथरी। दिस प्लेस इज अ हिडन जेम ऑफ कश्मीर and is merely 1.5 hours journey from Srinagar airport. शली गंगा नदी के किनारे ये खूबसूरत सा हिल स्टेशन भीड़ से कोसों दूर, जहां आप कुछ वक्त अपने साथ बिता सकते हो, कुछ वक्त अपने में खो सकते हो, कुछ वक्त कश्मीर की खूबसूरती को शांति से निहार सकते हो। सच में खूबसूरत से भी अगर कुछ खूबसूरत है तो वो भारत के सर का ताज कश्मीर है। तो ये है हमारे कश्मीर ट्रिप का पहला पिट स्टॉप, दूध पथरी। ये जगह श्रीनगर से करीब करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है और ये काफ़ी ज़्यादा अनडिस्कवर्ड सा जगह है, अनएक्सप्लोर्ड सा जगह है। तो अगर आप आ रहे हो कश्मीर, देन डू मेक श्योर कि ये जगह आपके आइटनरी में हो, वरना आप ज़रूर रिग्रेट करने वाले हो। चारों तरफ आप देख सकते हो बर्फ़ से लिपटा हुआ है सारा जगह, यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। और यहाँ पे मेरे साइड में एक खूबसूरत सा स्ट्रीम बह रहा है। स्पेंडिंग सम टाइम हियर इज लाइक नेक्स्ट टू हेवन। अब मैं बयां नहीं कर सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है ये जगह पर, इतनी खुशी हो रही है, सच में लग रहा है कि यार मैं तो जन्नत में आ गई हूँ। इट वाज टाइम टू बिड गुडबाय टू दिस वैली ऑफ मिल्क। अब हम आ पहुंचे उस जगह पे जो श्रीनगर की पहचान है, डल लेक। एक घंटे का वो शिकारा राइड मेरे दिलो दिमाग में जैसे घर कर बैठा। आखिर डल लेक के अंदर वो लोगों का घर, दुकान, एक ऐसी जिंदगी जो हमारे सोच से भी परे हो, उसे वो जीते हैं। Now let me take you inside a houseboat, जहां हम रहने वाले नहीं हैं, पर कश्मीर आके अगर ये ना देखा तो फिर क्या देखा। इस रूम का प्राइस 16,000 रुपीज है एंड आप थोड़ा बहुत बार्गेन कर सकते हो उनके साथ इफ यू वॉन्ट टू स्टे इन दीज houseboats। बचपन से कश्मीर पे बने हर एक बॉलीवुड मूवीज में हीरोइंस को फिरन पहने देखा था। उसी फिरन और कसाबा पहनकर ये शिकारा में घूमते वक्त इट वॉज जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। एंड देन वी हेडेड टू आवर होटल द रेसिडेंसी इन लाल चौक श्रीनगर। प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लूंगी, so if you want you can check it out. We had taken this 3-bedded room as I was traveling with my parents.
दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट होम टूर। शाम को हम श्रीनगर में ही एक पार्क में घूमने के लिए गए। The gardens in Srinagar are more beautiful than you can even imagine. देख के आपको लगेगा जैसे कि आप कोई यूरोपियन कंट्री में आ गए हो। The lush green grasses, those pink flowers, the cold weather, it was no less than a fairy tale dream. अभी हम लोग आ गए हैं श्रीनगर के एक बहुत ही सुंदर गार्डन में जिसका नाम है बादामवाड़ी। नाउ दिस इज अ वेरी इंस्टाग्रामेबल लोकेशन क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस में फोटोज में देखा होगा कि ये वाले जो पिंक वाले फ्लावर्स होते हैं उसके साथ फोटोज और वीडियोस लेते हुए इन्फ्लुएंसर्स को, तो ये बादाम के फूल होते हैं और ये पूरा गार्डन श्रीनगर में बना हुआ है। तो अगर आप श्रीनगर आ रहे हो ये लोकेशन कभी मिस मत करना। ये फूल आपको सिर्फ स्प्रिंग सीजन में ही मिलेगा जब ठंड थोड़ा बहुत कम हो जाते हैं। सो द राइट मंथ टू विजिट इज फ्रॉम द एंड ऑफ मार्च टू द एंड ऑफ मई टू गेट दोस ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड वीडियोस। सो दैट वाज इट फ्रॉम श्रीनगर, पर कहीं जाइएगा मत क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगले वीडियो में मुलाकात होगी पहलगाम से।